बयान दिया गया है। पुनिया को अपनी मां मानता हूं, पप्पू यादव ने कहा है, और अपनी मां को छोड़कर मैं किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगा। पुनिया से भगवान और भक्त का रिश्ता है, पुनिया छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं। अब आपको जरा बताते चलें कि पुनिया सीट पर पप्पू यादव बार बार ये बयान इस तरीके का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और देखिए हमारे सहयोगी आनंद आपको नजर आ रहे होंगे और ठीक उनके पास में बैठे हुए हैं पप्पू यादव। आनंद जरा जानिए कि पुनिया सीट पर पप्पू यादव बार बार ये कहते रहे कि हमने तो लालू प्रसाद से भी बात की थी, हमारे मन की बात वो भी जानते हैं बखूबी, कांग्रेस में भी आया तो मुझे पूरा यकीन है, लेकिन इस यकीन पर मोहर कब लगेगी? बिल्कुल पप्पू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ इनके अच्छे खासे संख्या में समर्थक भी मौजूद हैं। पप्पू जी क्या हुआ भैया? कुछ चूंकि सवाल इससे अच्छा सवाल क्या हो सकता है कि क्या हुआ भैया? मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मैंने तो पहले भी कहा है कि मेरा जो 40 साल का संघर्ष रहा है, जो सेवा और मदद की रही है, न्याय का और संघर्ष का, वो एक बिगर और लार्जर कॉज के लिए, कि ताकि मैं जो देश के हालात है उसमें मैं कांग्रेस के साथ नील का पत्थर बनूं। तो मामला कहां फंस गया? नील का पत्थर बनूं और निश्चित रूप से कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है बिहार में उसको नंबर वन करूं। लालू यादव जी से भी हम मिले, उनसे भी व्यक्तिगत, पिता का मेरे साथ रिश्ता रहा है, बहुत क्लियर है मैं, और विपक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री बनाने से लेकर आज तक 83-84 से, जिसको लालू यादव जी ने उस दिन भी कहा, मैंने कहा कि आप हमें पिता की तरफ पूर्णिया से हम अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा दल ज्वाइन कर लीजिए और अब मधेपुरा से लड़िए। मैंने इस बात को वहीं भी एक अधिकार के तहत खंडन किया और मैंने कहा दल ज्वाइन करने का जहाँ तक सवाल है, मैं कांग्रेस परिवार से एक बार मिल लेता हूँ, मेरे भी व्यक्तिगत परिवार हैं, मैं उनसे सबसे साथियों से बात कर लेता हूँ। तब तक मैं, जब हम पटना दिल्ली पहुंचे तो प्रियंका गांधी जी का फोन आया। प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से, जो मैं सोचता भी था, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक लंबे संघर्ष, एक जो दिल जीता इस देश का उसमें, और पप्पू यादव की जो सोच रही है सीमांचल और कोसी को लेकर के, यहाँ तो मैं 5 बार 6 बार 7 बार ये बात तो हम समझे, लेकिन अब चूंकि बीमा भारती को सिंबल दे दिया गया तो फिर अब कैसे होगा पप्पू यादव का? सर मैं एक बात बोलूं, पप्पू यादव का कैसे होता है, पप्पू यादव को हमेशा आप देखे हैं कि सीमांचल की कोसी की जनता अपने तरीके से उसको बच्चे की तरह देखती है। हमारा तो भगवान और भक्त का रिश्ता है, आपको पता है, आपको पूर्णिया में, पूर्णिया में ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना मजहब होता है, ना बैकवर्ड होता है, ना फॉरवर्ड होता है, ना हिंदू मुसलमान होता है। यहाँ पूर्णिया को नंबर वन कैसे किया जाए सीमांचल को, मुद्दा ये होता है। और हर परिवार की उम्मीद कौन है, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो एक रास्ता बचता है पप्पू यादव। तो पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे पूर्णिया से? मैंने पहले कहा कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो पूर्णिया के साथ है, मेरी प्रतिबद्धता, मेरा इमोशंस, मेरा जो फीलिंग है वो मेरे पूर्णिया के साथ है। हम परेशान इस बात को लेके हो गए कि 40 साल का जो हमारा संघर्ष और समर्पण था, मैंने अपना पूरी समर्पण, मैंने एक बिगर काउंट के लिए, एक बड़ी पार्टी जहां पर एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के, मैंने समर्पण कर दी। अब तो मेरा जो उम्मीद विश्वास है वहां है, जो दिल्ली में बैठे हैं वो इन चीजों को देख रहे हैं। तो जहां तक लड़ने का सवाल है, मैंने तो कई बार इस बात को कह दिया है कि मधेपुरा सुपौल मेरे लिए जाना संभव नहीं है। पूर्णिया को छोड़ने के लिए यदि कोई कहता है या कहेगा तो उससे बेहतर आत्महत्या करना है या जहर खा लेना। एक बड़ा बयान दे रहे हैं आप, यानी कि किसी कीमत पे पूर्णिया आप नहीं छोड़ रहे हैं। सर आत्महत्या ही करना होगा ना, तो बेहतर है पूर्णिया यदि छोड़ना पड़ेगा तब तो आत्महत्या करके खत्म हो जाना ज्यादा। कांग्रेस के किसी नेता ने आपसे क्यों आप जब मैं आपका हाथ जोड़ता हूं, मैं अनुनय विनय करता हूं कि एक बार सोचिए, इंडिया गठबंधन का सबसे विनर सीट है और यहां इस सीट से यहां पर कई सीट मजबूती के साथ काम करने का मौका मिलेगा। हम लोग अररिया जो आज हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम लोग मजबूती से करेंगे, हम लोग कटिहार निकल जाती है उस पर मिलकर के काम करेंगे, मधेपुरा पर काम करेंगे। तो हम तो चाहते हैं अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति नहीं होती है तो फिर सर ये तो आप कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है। आनंद जी मैं दिल से आपको कह रहा हूँ कि मैं अपने घर में हूँ, बैठा हूँ, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको वचन देता हूँ, पूर्णिया की जनता से आप जाइए पूछिए, रिक्शा वाले से, ठेला वाले से, टमटम वाले से, दुकान वाले से,
यदि कोई सिंगल आदमी कह दे कि पप्पू उसका भाई नहीं है, बेटा नहीं है, पप्पू यादव उसकी उम्मीद नहीं है, सपना नहीं है, तो आप जो कहिए तो मैं अपनी उम्मीद खत्म कर दूं। एक ही उम्मीद कोई बचता है गरीब के लिए, तो है पप्पू। मतलब पप्पू यादव किसी की मतलब पूर्णिया नहीं छोड़ने वाले? सवाल ही नहीं उठता, मैं इस पूर्णिया से कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने नीतीश को कह दिया हूं किसी भी परिस्थिति में पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो शीर्ष नेता है वो क्या कहते हैं, उनकी तरफ से किस तरीके से यहां पर स्टैंड पप्पू यादव के लिए लिया जाता है। क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई इसी लार्जर नोट पर तो मैंने ज्वाइन किया कांग्रेस को, भरोसा भी मुझे दिया क्या, तो अब मेरी सारी की सारी उम्मीदें जो जाकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर टिक जाती हैं, वो मेरे लिए क्या फैसला करते हैं, लेकिन पूर्णिया छोड़ने का सवाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पप्पू यादव जी आपका